अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फराह। वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी ओट्स बनाना। पूरे रमजान बना सकते हैं, बहुत हेल्दी फूड है ये। जिसके लिए मैंने लिया ओट्स, यहाँ लिया मैंने बीफ, लेमन, अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिकन क्यूब्स, इसकी जगह आप चाइनीज सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं और सॉल्ट भी, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर। पहले ऑयल डालेंगे, थोड़ा गरम हो जाए, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम अनियन। बिस्मिल्लाह। अनियन को हम ब्राउन करेंगे। मैं आपको सऊदी स्टाइल में भी ये ओट्स बनाना सिखाऊंगी, जिसको ये लोग कहते हैं शोरबा। ये मैं देसी स्टाइल में बना रही और इंशाल्लाह आपको वो भी सिखा दूंगी। ये देखें ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे। और ममालिक में ओट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और रमज़ानों में स्पेशली बहुत ज़्यादा यहाँ हर घर में सऊदी इसे बनाते हैं। ज़ाहिर है अच्छी चीज़ है, आप भी बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, इसे बच्चों को दें। अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हम बचाएंगे ताकि आखिर में ऊपर में हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन क्यूब, आप चिकन क्यूब के साथ ही बनाएं और चाइनीज सॉल्ट इग्नोर करें तो अच्छी बात है, और नहीं है चिकन क्यूब तो आप सॉल्ट के साथ बनाएं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मेरे मसालों को अच्छी तरह से भून लूं। देखिए अच्छी तरह से ये भून गए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ओट्स। अगर आप बच्चे गोश्त ले रहे हैं तो आप इसके साथ ही ऐड कर दें ओट्स को। अगर आपके पास ये बच्चे गोश्त नहीं है तो आपने क्या करना है, पहले गोश्त को गला लेना है, फिर उसके बाद फिर मसाले को भूनना है, उसके बाद इसके अंदर आपने ये ओट्स को शामिल करना है। ठीक है, इसके अंदर ऐड करेंगे गर्म पानी और मिर्च थोड़ा कम रखें, रमजान है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ठीक है, जितना आपको ठीक चाहिए आप इस तरह रख लें इसको। मैं थोड़ा पानी ऐड करी ज़्यादा ताकि गोश्त भी इसके अंदर गल जाए। इसकी मैं लिड लगाऊंगी और इसे वो गलने के लिए छोड़ दूंगी, मीडियम फ्लेम पे पकाएं इसे। ये देखें ये तैयार हो गया है, गोश्त भी आपको दिखा दूँ। ठीक है, गोश्त भी गल चुके हैं, अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तैयार है, इसे इफ्तार में आप जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना भूलें। चले आप मुझे ज्यादा इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।